Hello everyone, welcome to Manas Studies. Today we are going to learn vectors, vector form of Coulomb's law. Okay, so let's start. यहाँ पर एक वेक्टोरियली हमने एक डायग्राम बनाया है और हमारे पास दो चार्जेस हैं. Let's suppose this charge is Q1 and this charge is Q2. ये हमारे पास दो चार्जेस हैं. तो अगर हम इसे ओरिजिन माने, दिस इज रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ से हम दोनों ही चार्जेस को, इनके डिस्टेंस को हम देख रहे हैं. तो हम यहाँ से वेक्टर्स ले लेंगे, दो पोजीशन वेक्टर होंगे हमारे. फॉर दिस Q1 हम यहाँ पे वेक्टर ले रहे हैं R1, और फॉर दिस Q2 हम यहाँ पे वेक्टर लेंगे R2. ठीक है, ये दोनों ही आपके वेक्टर्स हैं, ये दोनों ही आपके वेक्टर्स हैं, R1 एंड R2. अब Q1 से Q2 की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है Q1 से Q2 की, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम इसे ले रहे हैं. और ये जो डिस्टेंस है, इसके दो तरह से नेमिंग हम कर सकते हैं. अभी हम इसको सिंपली R कह देते हैं, अगर हम इसको R कह देते हैं इस समय. ठीक है, दिस इज R1, दिस इज R2, और इसे मैं सिंपली R कह रहा हूँ बिकॉज इसकी नेमिंग मैं दो तरह से कर सकता हूँ. वो डिपेंड करता है कि मैं Q1 से Q2 की तरफ जा रहा हूँ या Q2 से Q1 की तरफ जा रहा हूँ. विच इज़ फाइनल, विच इज़ इनिशियल, उसके उस पर यह डिपेंड करता है कि मैं इस R की, इस R को मैं क्या कहूँगा बेसिकली. सो नॉर्मली हम लोग को कूलम्स लॉ पता है, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 अपन R2, वो आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है. लेकिन हम जब वेक्टर्स फॉर्म में आएंगे, तो वेक्टर्स जब इसकी वेक्टर फॉर्म हम लोग देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर R2 ना होके, अब वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो ना करके वहाँ पर R3 हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज वहाँ पर हम इसको केवल इसका मैग्नीट्यूड नहीं दे रहे हैं, वहाँ पर हम इस फोर्स का साथ साथ में हम इसका क्या इसकी डायरेक्शन है हम वो भी बता रहे हैं. और यही रोल होता है एक वेक्टर का, कि वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी बताता है. तो इस R की नेमिंग पे बात करते हैं, दिस इज R1, दिस इज R2. अब पहले तो इस पर फोर्सेस क्या लगेंगे वो देख लेते हैं. फोर्स भी दो तरह से लग सकते हैं. मैंने यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस को लिया है, नेगेटिव नहीं लिया है, पॉजिटिव चार्जेस को लिया है. सो अगर मैं Q1 पर ड्यू टू दिस Q2 फोर्स अगर अप्लाई होगा, बिकॉज ये इसको धक्का देगा, रिपल्शन यहाँ पर होगा, रिपल्शन होने की वजह से यहाँ से नीचे की तरफ को एक फोर्स जाएगा. दिस फोर्स वुड बी ऑन दिस Q1 एंड ड्यू टू दिस Q2. तो फोर्स की नेमिंग हमें ध्यान रखना है कि अगर Q1 की नेमिंग, Q1 पर जो फोर्स लग रहा है उसकी नेमिंग अगर हमको करनी है, तो हम उसे लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2. तो आप यहाँ पर लिखोगे F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 जो इसको रिपल्शन कर रहा है. एंड सिमिलरली इसके कोरस्पॉन्डिंग जस्ट अपोजिट फोर्स यहाँ पर भी लग रहा होगा, वो होगा आपका फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1. तो उसे आप लिखोगे F21. ये दोनों ही आपके वेक्टर्स हैं, ये दोनों फोर्सेस आपके वेक्टर्स होंगे. फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है. सो F12 बिकॉज 1 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू 2, तो इसे आप कह रहे हो F12. एंड F21 बिकॉज 2 पर, Q2 पर फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1 जो इससे धक्का दे रहा है, रिपल्शन कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका F21. अब यहाँ पर इनके जो जो इनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, इसे भी आप दो तरह से दे सकते हैं. अगर हम देखें तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो इनके बीच की है, अगर मैं Q2 से Q1 की तरफ जा रहा हूँ, इफ दिस इज माई सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, मैं इसे अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मानता हूँ, मैं Q2 से Q1 की तरफ जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ फोर्स क्या है मेरा, F12 है, F12 मेरा फोर्स है. तो इस तरफ हमारा जो पोजिशन वैक्टर बनता है, दैट इज R21. इस टाइम पे जो इसकी नेमिंग होगी उसे कहेंगे R21. और ट्राइंगल लॉ का जो वेक्टर एडिशन है, वहाँ से भी हम इस चीज़ को प्रूव कर लेंगे कि ये R21 कैसे है. ठीक है, तो F21 की तरफ को नेमिंग होगी R21. सिमिलरली F12 की तरफ नेमिंग होगी R21 एंड F21 की तरफ नेमिंग होगी R12. तो अगर हम इधर की तरफ को देते हैं, तो दिस इज R12. ठीक है, R21 एंड R12, ये दो तरह से आप इसकी नेमिंग कर सकते हो. यहाँ पर मैं यूनिट वेक्टर लगा देता हूँ बिकॉज ये डायरेक्शन भी यहाँ पे दिखा रहा है, केवल R नहीं है, यहाँ पर R21 भी है, R12 भी है. तो अगर हम इसको एक ट्रायंगल फॉर्म में अभी देखें, ट्रायंगल फॉर्म में देखते हैं पहले. ठीक है, तो सपोज, लेट अस सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, दिस इज R2 एंड दिस इज R21. इस तरफ को अगर मैं देखता हूँ एंड ये है मेरा R1. ओके, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ
कि यहाँ पर मैं देखता हूँ कि जो मेरा R2 है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिकली ये कि दो साइड्स, ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं, दो साइड्स का अगर हम सम करते हैं तो जो थर्ड साइड है वो आपको निकल के आ जाती है। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, दिस R2 प्लस दिस R12, R21, ठीक है। अगर हम यहाँ पर फॉर द टाइम बीइंग मैं इसे हटा कर यूनिट वेक्टर्स ना लिख कर इसे नेमिंग कर देता हूँ, F12 की तरफ को मेरा नेमिंग है R21, एंड टुवर्ड्स दिस F21 जो मेरी नेमिंग थी दैट वाज R12, ये दो मेरी नेमिंग है, ओके। अब मैं दो तरह से ले सकता हूँ, R2 प्लस R21, R2 प्लस R21, आप इसमें वेक्टर लगाते रहिए, R2 प्लस R21, ये अगर हम लेते हैं R2 प्लस R21, तो ये थर्ड साइड के सम के बराबर, थर्ड साइड के मैग्नीट्यूड के बराबर ये निकल के आएगा, दिस इज R1, ओके। सो R2 प्लस R21 इज इक्वल टू R1, ओके। और यहाँ पर अगर आप R2 की नेमिंग अब निकालें कि R2 की, R21 की नेमिंग निकाले, R21 है क्या, सो R21 यहाँ से निकलेगा आपका, ये R2 वहाँ जाएगा, R21 हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, दिस इज R21। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर यही लॉ यूज़ करता हूँ, ट्राइंगल लॉ यूज़ करता हूँ, इस बार मैं इस R12 को अगर कैलकुलेट करता हूँ तो जस्ट इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर मैं, एक तो मेरा ये हो गया R21, एंड अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ R12, तो R12 हो जाएगा R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, इस तरीके से मेरी नेमिंग हो सकती है R21 की एंड R12 की। ट्राइंगल लॉ को हमने यूज़ किया और नेमिंग हमने इस तरीके से दे दी। देखिए इसमें एक और कंसेप्ट है, R21 एंड R12, ये जो नेमिंग हम यहाँ पर कर रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं R1 माइनस R2, तो हमेशा हम करते हैं फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दिस इज पोजिशन वैक्टर, एक डिस्प्लेसमेंट है। एक डिस्प्लेसमेंट की नेमिंग कैसे होती है, आप फाइनल पॉइंट को लेते हैं देन आप इनिशियल पॉइंट को लेते हैं, सो फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करना होता है। तो इट मीन्स आप R1, Q1 की तरफ आप गए होंगे, R1 के, R1 कौन सा पोजीशन है, R1 बेसिकली पोजीशन वेक्टर है किसका, Q1 का। इट मीन्स आप Q1 की तरफ गए होंगे, Q1 की तरफ आप गए होंगे, एंड देन Q1 का जो वेक्टर है, जो पोजीशन है, उससे आप माइनस कर रहे हो Q2 के पोजीशन की, बिकॉज इनिशियल पॉइंट वॉज Q2। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट है कि फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स आप यहाँ पर आप देख सकते हो R21 अगर हम ले रहे हैं, तो R21 लेने का मतलब ये है कि आप Q1 की तरफ गए हो फ्रॉम Q2, और अगर आप R12 को ले रहे हो तो इट मीन्स आप क्या कर रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, मतलब आपका जो फाइनल पॉइंट है वो Q2 की तरफ है, आप Q2 की तरफ जा रहे हो, Q2 की तरफ जा रहे हो, तो Q2 माइनस Q1 या फिर R2 माइनस R1, उनके पोजीशंस को आप सेपरेट कर लेते हो। सो अगर मैं यहाँ पर कूलम्स लॉ को देता हूँ तो आप सिंपली देख सकते हैं कि टूवर्ड्स F21 जो हमारा वैक्टर आएगा वो रहेगा R12, एंड टूवर्ड्स F12 आपका जो वेक्टर, जो आपका डिस्टेंस आपका बनेगा वो रहेगा R21। तो अगर मैं यहाँ पे कूलम्स लॉ को लिखता हूँ, नॉर्मली हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो होता है, अब दो तरह से फॉर्मूला बन सकता है, यहाँ पर F12 और F21 दोनों यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, आप एक को समझ जाएंगे तो दूसरे को उसके कोरिस्पॉन्डिंग आप उसका, आप यूनिट वेक्टर आप चेंज कर सकते हैं, तो आप आराम से उसे उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। ये बेसिकली ये फॉर्म तब बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है जब आपके पास R1 एंड R2 दो पॉइंट्स दिए होते हैं, दो पोजीशंस आपको दी होती है, एंड आपको वहाँ पर आपको मैग्नीट्यूड निकालना होता है फोर्स का, तो विद डायरेक्शन आपको वहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना होगा, तो तब यहाँ पर कूलम्स लॉ आपका यूजफुल होगा। अगर मैं यहाँ पर पहले कैलकुलेट करता हूँ F12, अगर मैं F12 को कैलकुलेट करता हूँ तो मैं इसे लिखूंगा F12, वेक्टर क्वांटिटी है, इसे मैं लिखूंगा K 1 upon 4 pi epsilon naught, यानी के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर में मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर, बिकॉज एफ वन टू की तरफ आपको देखना है कि कौन सा वाला मेरा पोजिशन आपको लेनी है, कौन सा पोजिशन वैक्टर लेना है, कौन सी रेडियस आपको लेनी है, डिस्टेंस कौन सी लेनी है, तो मुझे लेनी है आर टू वन। तो जहाँ पर आपने एफ वन टू लिखा है आपको डिनोमिनेटर में लिखना होगा आर 21 का स्क्वायर, R21 का स्क्वायर। अभी ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपका नॉर्मली इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला कंसेप्ट है, जो आप सिंपली एक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यूज करते हो।
लेकिन बिकॉज ये वेक्टर फॉर्म है तो आपको आगे क्या लिखना है, आपको आगे इस सिमिलर जो जो भी डिस्टेंस आपने ली है इसका यूनिट वेक्टर, बिकॉज ये पूरा एक आर टू वन अपने आप में एक वेक्टर है, एक आर टू वन अपने आप में पूरा वेक्टर है, आपको इसको स्केल डाउन करके इसका यूनिट लिखना होता है, यूनिट वेक्टर लिखना होता है, और वो यूनिट वेक्टर इसका बताता है कि ये किस तरफ है, इसका डायरेक्शन क्या है। जैसे नॉर्मली आप देखते हैं तो तीन वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इस तरीके से आप जो आप लिखते हैं यूनिट वेक्टर्स, ये आपको बताती है कि किस तरफ को आपका वेक्टर ओरिएंटेड है, इसका डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ आर टू वन, इसका स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आर टू वन कैप, ये आपका यहाँ पर आएगा, एंड दिस आर टू वन कैप इज यूनिट वेक्टर, इसे आप यूनिट वेक्टर भी कहते हैं। ओके, ये आपका यूनिट वेक्टर है, सॉरी, इसे आप यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, दिस इज आपका यूनिट वेक्टर आर टू वन का कैप। अब आगे देखिए, आप इसे इलैबोरेट भी कर सकते हैं, बिकॉज हमने अब यहाँ पे इसे लिख लिया कि इसे क्या लिखना है। अगर मैं आर टू वन को लिख रहा हूं तो आर टू वन को मैं लिख सकता हूं आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, तो मैं इसे लिख सकता हूं यहां पे के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर टू वन का स्क्वायर, आर टू वन का स्क्वायर अगर मैं लिख रहा हूं तो दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, ये केवल मैग्नीट्यूड है, ठीक है, आप इसको मॉड में भी लिख सकते थे। आर टू वन का स्क्वायर का मतलब है आप यहाँ पे लिखेंगे आर टू वन स्क्वायर इज आर वन माइनस आर टू, सो आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, आर वन माइनस आर टू का स्क्वायर, ऑलराइट। मैं यहां पे भी मॉड लगा देता हूं आर टू वन के मॉड का स्क्वायर, तो आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और यहां पर आपका एक यूनिट वेक्टर भी है आर टू वन का कैप। आर टू वन के कैप में हम और क्या दे सकते हैं, आर टू वन कैप का मतलब है, आर टू वन कैप का मतलब है कि हम यहाँ पे इसे, बिकॉज यूनिट वेक्टर अगर होता है, ठीक है, कोई भी अगर एन कैप अगर कोई वेक्टर है, एन कैप इफ देयर इज एनी वेक्टर एन कैप, ओके, तो एन कैप को हम क्या लिख सकते हैं, सपोज कोई भी वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर हम ले रहे हैं एन कैप, तो सपोज वो वेक्टर ए रहा होगा तो उस वेक्टर ए को आप लिखोगे, उस वेक्टर ए को आप लिखोगे डिनोमिनेटर में, उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप लोगे, उस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप लोगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला ही चेंज कर देता है अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर इसी यूनिट वेक्टर को लिया था आर टू वन का कैप, और ये जो यूनिट वेक्टर होता है ये वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये हम लेते हैं। तो यहाँ पर आप लिखोगे आर टू वन कैप की जगह पर आप इस फॉर्म में अगर इसको लिखते हो तो आप लिखोगे इसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आर टू वन है क्या, आर टू वन इज आर वन माइनस आर टू, तो आप इसे लिखोगे आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू डिवाइडेड बाय, सॉरी, इसे आप लिखोगे आर वन माइनस आर टू, इसका आप वेक्टर फॉर्म में इसे लोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू, इस तरीके से आप लोगे। यहां पर स्क्वायर है, सेम टर्म यहां पे सिंगल टर्म है, आप इसे मर्ज कर दो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो आपका एफ वन टू निकल के आएगा, जो आपका एफ वन टू निकल के आएगा वो आएगा आपका के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर टू का, आर वन माइनस आर टू का क्यूब, आर वन माइनस आर टू का क्यूब, और आगे आपका आएगा वेक्टर फॉर्म में आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज एफ वन टू, दिस इज फॉर्मूला फॉर एफ वन टू। एंड सिमिलरली हम यहां पर इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप यहां पर एफ टू वन भी लिख सकते हैं। एफ टू वन को हम क्या लिखेंगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन नाउ आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर, आर टू माइनस आर वन का स्क्वायर, और आगे अगेन इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, सॉरी स्क्वायर नहीं यहीं पर इसे मैं चेंज कर देता हूँ, क्यूब लिख देते हैं इसे, इसका डेरिवेशन दोबारा करने की जरूरत नहीं है, सिमिलर स्टेप्स होंगे आपके, आर टू माइनस आर वन का क्यूब और आगे आर टू माइनस आर वन इन वेक्टर फॉर्म। तो इस तरीके से आपको कूलम्स लॉ से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ लिखना है आर एफ वन टू और एफ टू वन का, दोनों का। एफ वन टू क्या है,
एफ वन टू इज फोर्स ऑन क्यू वन, फोर्स ऑन चार्ज क्यू वन ड्यू टू क्यू टू, ड्यू टू क्यू टू, क्यू वन पर जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू क्यू टू, क्यू टू जो फोर्स लगा रहा है क्यू वन पर, जो धक्का दे रहा है रिपल्शन का जो फोर्स दे रहा है दैट इज एफ वन टू, और एफ टू वन का मतलब है फोर्स ऑन क्यू टू ड्यू टू क्यू वन ड्यू टू क्यू वन. तो इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है, इस तरीके से आपको नेमिंग करनी है. इसे एक और कंसेप्ट से लेते हैं. सपोज आपको यहां पर कोई कंफ्यूजन है, इस तरीके से वेक्टर डायग्राम से कंफ्यूजन है, हम सिंपली Q1 और Q2 दोनों को एक साथ ले लेते हैं. तो यहां पर मेरा आ जाएगा दिस इज माई Q1, ये मेरा Q1 है और ये वाला चार्ज है मेरा Q2. अब जो Q1 पर फोर्स लग रहा है, अब हमने सीख लिया है कि Q1 पर फोर्स Q2 से लग रहा है, तो उसे मैं नाम दूंगा F12, उसे मैं नाम दूंगा F12. एंड अगर Q2 पे फोर्स लग रहा है ड्यू टू Q1, तो उसे मैं नाम दूंगा F21. दिस इज F21, इस तरीके से मैं नाम दे दूंगा. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r ही होगा, ओके ये r ही होगा. लेकिन अगर आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो, अगर आप Q1 से Q2 की तरफ जा रहे हो, तो ऑलवेज रिमेंबर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट इज Q2 एंड इनिशियल पॉइंट इज Q1. और आप जब भी आप डिस्प्लेसमेंट को नेमिंग करते हैं, ओके डिस्प्लेसमेंट की आप नेमिंग कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, उसकी नेमिंग जब आप करते हो तो आप यू डू फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट. और मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज में आप यही सब करते आ रहे हो, एनर्जी में आप यही करते हो, पोटेंशियल डिफरेंस में आप यही सब करते हो. तो यहां पर भी यही होगा, Q2 Q1 है. आप यहां से अगर इधर की तरफ को जा रहे हो, आप दिस इज योर डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन है Q1 से Q2 की तरफ को, तो आप इसकी नेमिंग करोगे फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल का मतलब Q2 माइनस Q1 होगा यहाँ पे, लेकिन पोजीशन की फॉर्म में अगर आप डिस्टेंस की फॉर्म में देते तो इसका वेक्टर जिसका पोजीशन होगा दैट इज R2, इसका पोजीशन इज R1. तो आप लिखोगे इधर जाते हुए फाइनल माइनस इनिशियल मींस R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1. और आप यहीं पे से लिख सकते हो, जिसे आप R R2 माइनस R1 जैसे आपने लिख दिया. अब आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से Q2 से Q1 की तरफ जाता हूँ, अब मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, मैं Q2 से Q1 की तरफ जाता हूँ, ठीक है. तो F12 के करस्पॉन्डिंग जो मेरा वेक्टर बनेगा वो बनेगा, बिकॉज दिस इज फाइनल पॉइंट, Q1 इज फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज Q2. तो फाइनल माइनस इनिशियल यहाँ पर करोगे, तो यहाँ पर आप R1 माइनस R2 करोगे, यहाँ पर करोगे R1 माइनस R2, ओके R1 माइनस R2. तो सॉरी, तो आपको यही लेना है फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा आपको याद रखना है. कभी भी वेक्टर का नेमिंग कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल ये आपको लेना है, इससे आपकी नेमिंग बहुत इजी हो जाएगी. अगर यहाँ से भी हम निकालते हैं तो F12, अगर आप F12 को लेते हैं तो F12 क्या होगा, F12 के करस्पॉन्डिंग आप वेक्टर कौन सा लोगे, R1 माइनस R2 को लोगे. तो F12 की नेमिंग आप करोगे K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर कौन सा है आपका, R1 माइनस R2, वेक्टर इज R1 माइनस R2. R1 माइनस R2 इसका क्यूब, और R1 माइनस R2 यही आपका वेक्टर फॉर्म में. सिमिलरली इसके कोरिस्पॉन्डिंग F21 को आप लिखोगे, F21 इज K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F21 के कोरिस्पॉन्डिंग आप वेक्टर देख लीजिए, F21 मींस फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. तो फाइनल पॉइंट आपका क्या है, आपका टू है, इनिशियल तो ये तो लगा रहा है फोर्स और फाइनल पॉइंट ये है. तो आप कौन सा वेक्टर लोगे, ये वाला लोगे R2 माइनस R1 आप लोग लोगे. तो सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में R2 माइनस R1, बिकॉज आप यहाँ पे ये वाला वेक्टर ले रहे हो टुवर्ड्स Q2 जो पॉइंट हो रहा है R2 माइनस R1. सो R2 माइनस R1 का मॉड एंड देन उसका क्यूब और आगे यही वाला वेक्टर R2 माइनस R1. दिस इज इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यूनिट वेक्टर हुआ करता था, यहाँ पर R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर था. अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर था, ठीक है. उसकी नेमिंग हमने कैसे करी होगी, यहाँ पर आपने जो लास्ट
स्टेप में हम कर चुके हैं, लास्ट पेज में आपने कर दिया, लास्ट स्लाइड में हमने देख लिया। यहाँ पर एक्चुअली आर वन माइनस आर टू का कैप यूनिट वेक्टर ऐसा लिखा रहा होगा, तो नेमिंग इसकी क्या हुई होगी, इसकी नेमिंग होगी आर वन माइनस आर टू इन दी वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय, इन दी वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय आर वन माइनस आर टू का मॉड, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड। और अगर यहाँ पर आप देखें तो जस्ट प्रीवियस स्लाइड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आर टू माइनस आर वन का कैप रहा होगा, ओके यहाँ पर इसका कैप रहा होगा, इसकी नेमिंग आपने करी होगी आर टू माइनस आर वन का इन वेक्टर फॉर्म डिवाइडेड बाय आर टू माइनस आर वन इन मैग्नीट्यूड, इसका केवल मैग्नीट्यूड, वो मैग्नीट्यूड आपका मल्टीप्लाई फिर आर स्क्वायर आर टू माइनस आर वन के स्क्वायर से हुआ होगा, क्या बन गया आर टू माइनस आर वन का क्यूब बन गया। ओके सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ।